नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित गंगा यात्रा के लिए इस यात्रा में उपयोग में आने वाले रथों के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यात्रा के नोडल विभाग जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह गोलक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अनिश अवस्थी जी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, नमामि गंगे परियोजना के लिए योगदान देने वाले विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारी और स्वयंसेवकगण, पत्रकार मित्रों, 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पंचदिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के दोनों छोर से प्रारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पहली यात्रा बिजनौर के पास से कानपुर और दूसरी यात्रा जहां से गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती है, जनपद बलिया के कानपुर के लिए दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी। दोनों यात्राएं एक साथ प्रारंभ होंगी और दोनों का समागम कानपुर में 31 जनवरी को होगा। गंगा आस्था की प्रतीक तो है ही और सनातन काल से हर भारत का अनुयायी, हर भारत का नागरिक गंगा को बड़ी आस्था के साथ अपनी परंपरा और अपनी विरासत का हिस्सा मानता रहा है। गंगा जी के प्रति अपने नहीं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा था। जब वे वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो मां गंगा के आदेश से यहां आया हूं और मां गंगा के प्रति अपने इस अटूट आस्था को व्यक्त करते हुए नमामि गंगे परियोजना को पूरे देश के अंदर लागू किया गया है। देश के जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों से 2525 किलोमीटर की यात्रा मां गंगा
गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक तय करती है। 2525 किलोमीटर की इस यात्रा में सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर, 1025 किलोमीटर की दूरी मां गंगा तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बनती है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कदम उठाएं। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण आज गंगा की निर्मलता देखते हुए बनती है। प्रयागराज कुंभ की सफलता बगैर गंगा मैया की स्वच्छता के संभव नहीं हो सकती थी, और वह करके दिखाया। विगत वर्ष जब प्रयागराज कुंभ में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना के पवित्र संगम में स्नान करके दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को एक नई ऊंचाइयां दी। 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने, सबने गंगा की निर्मलता की सराहना की, और वर्षों से जो लोगों के मन में एक टीस होती थी कि काश गंगा भी स्वच्छ होती तो हम भी इसमें डुबकी लगा करके स्नान करते, पुण्य के भागीदार बनते। और कई दशकों के बाद पहली बार यह अवसर पिछले वर्ष प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उन करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब हम लोग विगत वर्ष प्रयागराज कुंभ के आयोजन के कार्यक्रम को तय कर रहे थे, तो उस समय मुझे यह बताया गया कि कुछ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए। और कैसे आमंत्रित करना चाहिए, तो मुझे 2013 के प्रयाग कुंभ की याद थी, जब मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर आए थे। लेकिन कुंभ में जब गंगा की दुर्दशा को उन्होंने देखा तो दूर से ही हाथ जोड़ करके बड़ी तीखी टिप्पणी उन्होंने की थी कि क्या यही गंगा है, स्नान नहीं किए थे, वापस हो गए। और उस घटना के कारण मैं भी स्वयं इस बात को लेकर सोचता था कि हम किसी विदेशी अतिथि को आमंत्रित करें और वहां पर उस प्रकार का माहौल नहीं होगा तो क्या रहेगा। लेकिन जब प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ काशी पधारे थे, तो मैंने काशी में उन्हें आमंत्रित किया कि आप काशी आए हैं, अच्छा होगा यहां से आप प्रयागराज आए। और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा है, कुंभ के आयोजन में मां गंगा का दर्शन करें, संगम में स्नान करें। तो वे मेरी बात पे हंसे थे,